हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 11वीं क्लास का पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। निश्चित रूप से आपके लिए एक नया शब्द है, क्योंकि आपने अभी तक 10वीं कक्षा तक ऐसे शब्दों को नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो क्या होता है। राजनीतिक जो शब्द है वो राजनीति से संबंधित है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले राजनीति के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि राजनीति क्या है। अगर हम राजनीति का शाब्दिक अर्थ लें तो राजनीति जो है वो इंग्लिश के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स जो शब्द है वो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है, POLIS, पोलिस शब्द से निकला है। राजनीति का जो अर्थ है वो बहुत ही विस्तृत है और विभिन्न जो विद्वान हैं वो इसके बारे में एकमत नहीं है और उनके जो मतों में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें निश्चित रूप से, तो आप देखते हैं कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपको राजनीति नज़र आती है। तो अगर राजनीति की एक मिलीजुली एक अगर परिभाषा लें, अर्थ लें, तो इसका अर्थ होता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गतिविधि राजनीति कहलाती है। और विस्तार से हम चैप्टर में आगे इसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, फिर इसके बाद आता है सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी, और थ्योरी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से निकला है। थ्योरिया, थ्योरिया इसका मतलब होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु के अस्तित्व और उसके होने के कारणों को प्रकट करती है, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी भी ऐसे तत्व के बारे में जो मौजूद है। ठीक है, तो ऐसी मानसिक दृष्टि को हम सिद्धांत कहते हैं जो किसी वस्तु के अस्तित्व और उसके अस्तित्व के कारणों को प्रकट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, यानी कि थ्योरी कहते हैं। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है चैप्टर को, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय यानी कि मनुष्य के पास दो ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे जीवों के पास नहीं है। एक, उसके पास विवेक होता है, और दूसरा अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता, यानी कि विवेक तो होता है, साथ में उसको अपनी गतिविधियों में वो व्यक्त भी कर सकता है, साथ ही उसके पास भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता होती है, और अपनी भावनाओं को और आकांक्षाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। और इसी प्रकार के जब विचारों के जड़ों को देखेंगे तो यहीं से शुरुआत होती है राजनीतिक सिद्धांत की। किसकी शुरुआत होती है? राजनीतिक सिद्धांत की। तो हम राजनीतिक सिद्धांत में यही चीज़ें पढ़ते हैं, इन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण हम करते हैं कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होता है, और क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इन्हीं सब प्रश्नों का हम इसमें उत्तर ढूंढते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से हम विचार करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। तो इस प्रकार से अगर हम राजनीतिक सिद्धांत लें कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, तो राजनीति और सिद्धांत दोनों शब्दों से मिलकर बना है राजनीतिक सिद्धांत। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका हम लेते हैं अर्थ क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत जिसका संबंध राज्य और सरकार, किससे होता है, राज्य और सरकार, राज्य और सरकार से इसका संबंध होता है, और यह व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की व्याख्या व विश्लेषण करता है। किसकी व्याख्या करता है? व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की।
व्यक्ति के राजनीतिक जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के राजनीतिक जीवन से संबंधित विषय सामग्री के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षित या प्रकट होने वाले अंतर संबंधों को लेकर किया गया सामान्यीकरण, यानी कि मनुष्यों के बीच में आपस में क्या अंतर संबंध हैं और किस प्रकार से वो प्रकट होते हैं और कौन सी विषय सामग्री उनसे संबंधित है प्रत्यक्ष रूप से, इन्हीं का सामान्यीकरण अगर हम करें तो उसको सिंपली हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और विस्तार से हम इसको थोड़ा सा बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं कि राजनीति क्या है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजनीति क्या है, लेकिन थोड़ा और डिटेल और विस्तृत रूप से समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राजनीति क्या होती है। आपने राजनीति शब्द जो है ज़िंदगी में काफ़ी बार सुना होगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं में राजनीति शब्द का महत्व होता है। सामान्यतः हम राजनीति किसे कहते हैं कि चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार गिराना, ठीक है, चुनाव प्रचार करना, यही सब राजनीति होती है। तो सिर्फ चुनाव लड़ना, सरकारें बनाना और राजनेताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां ही राजनीति होती हैं, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा सामान्य रूप से ऐसा समझा जाता है, लेकिन यह राजनीति का विस्तृत अर्थ नहीं है। अगर हम राजनीति के विस्तृत अर्थ की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जो भी ऐसी जीवन में की जाने वाली गतिविधियाँ, जोड़ तोड़ करने वाली गतिविधियाँ और निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होने वाली गतिविधियाँ, ये सब भी राजनीति का हिस्सा हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि जिसके द्वारा हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभाव जमा सकते हैं या अपने पक्ष में स्थितियों को कर सकते हैं, तो उसको हम विस्तृत रूप से क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं या राजनीति कहते हैं। कि राजनीति जो है आपके घर में भी देखी जा सकती है, आपकी क्लास में भी देखी जा सकती है कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो जोड़ तोड़ करते हैं, अपने पक्ष में परिस्थितियों को करने के लिए गतिविधियां करते हैं, वही राजनीति होती है, वही पॉलिटिक्स होती है। तो इससे अगर एक पहलू ये देखेंगे तो लोग जो घोटालों से जुड़े होते हैं आप समझेंगे वो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सरकार बना रहे हैं आप समझेंगे वो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप समझेंगे ये राजनीति हो रही है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें राजनीति में शामिल होती हैं, लेकिन राजनीति जीवन के प्रत्येक पहलू में मिलती है, सिर्फ सरकारों से इसका संबंध नहीं होता है। और सामान्य रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम राजनीति का जो संबंध है वो किससे मानते हैं, निजी स्वार्थ के साधनों से मानते हैं, जिसमें हम अनैतिक कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। जैसे आप इस कार्टून को देख सकते हैं कि मदर अपने बच्चे को लेकर आती है और इसका जो बच्चे का जो फादर है वो निश्चित रूप से राजनेता है और वो दूसरे नेताओं के साथ बैठा है, तो ये आने के बाद कहती है कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब कि झूठ और धोखाधड़ी से ये जो काम करते हैं राजनीति के अंदर इसको शामिल पाया गया, और इसलिए राजनीति का हम यहाँ पे नकारात्मक अर्थ यहाँ पे समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है उनके जीवन को। हम देखते हैं सरकारें हमारी आर्थिक नीतियां, देखो सरकारें जो है दो प्रकार की कार्य करते हैं, एक अच्छे कार्य होते हैं, हो सकता है कुछ बुरे कार्य भी सरकारें कर देती हैं। कई प्रकार की सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दोनों ही तरह की सरकारें विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती हैं, लेकिन जब सरकारें अच्छे कार्य करती है तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और लोगों के जीवन को सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा और सभी प्रकार के वहाँ पे वो सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम देखें सरकारें कई ऐसी नीतियाँ भी लाती हैं जो लोगों के जीवन के लिए असुरक्षा की भावना लेकर आती हैं और सांप्रदायिक संघर्ष भी हो सकता है, जातीय संघर्ष भी हो सकता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का नागरिकों को सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा।
राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा हम ले रहे हैं डेविड हेल्ड के अनुसार। डेविड हेल्ड ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और सामान्यीकरणों, जैसे हमने ऊपर अर्थ में जिक्र किया था इसका, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का ऐसा जटिल ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज, ठीक है, ये तीनों शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। डेविड हेल्ड की परिभाषा आपको याद करनी है ये, कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का ऐसा जटिल ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति के साथ साथ और क्या, लक्ष्यों और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। ये परिभाषा है जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा है डेविड हेल्ड के द्वारा दी हुई। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके तत्व कौन से होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के तत्व कौन से होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को जब भी हम जो है डिस्कस करते हैं तो उसमें इसके तीन तत्व निकल कर सामने आते हैं। एक अवलोकन, कौन सा तत्व है, अवलोकन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले हम किसी का भी अध्ययन करने से पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, किसी भी घटना को अध्ययन करने के लिए, किसी भी तत्व का अध्ययन करने के लिए और किसी भी पक्ष का अध्ययन करने के लिए अवलोकन किया जाता है। उसके बाद उसकी व्याख्या होती है, यानी कि उसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद फिर उसका करते हैं मूल्यांकन। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत के ये तीन तत्व होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम इसका विषय क्षेत्र देखते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ा जाता है, इसके लिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि प्राचीन यूनानी विचारकों से लेकर आधुनिक विचारकों तक और पाश्चात्य विचारकों से लेकर भारतीय राजनीतिक विचारकों तक इन्होंने बहुत ही अधिक पहलुओं पर अध्ययन किया, अनेक सरकारों का अध्ययन किया, संविधानों का अध्ययन किया, अनेक नीतियों का अध्ययन हुआ। और इसमें जब हम कौटिल्य और अरस्तू से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अंबेडकर तक के समय से हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तू, ये दोनों यूनान के विचारक थे, अरस्तू प्लेटो का शिष्य था, इन्होंने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था राजतंत्र लोकतंत्र में कौन सा अच्छा है। राजतंत्र जिसमें राजा का तंत्र होता है, जिसमें राजा के पास शक्तियां होती हैं, लोकतंत्र में जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले ये जिक्र हुआ रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, मानव के लिए बहुत जरूरी है। वहीं कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता भी उतनी ही जरूरी है, आपको याद रखना है ये। रूसो ने कहा है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर, और इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, मार्क्सवाद जिसको हम कहते हैं, भौतिकवाद का सिद्धांत, उनमें सभी में आपको देखने को मिलेगा कि ये समानता पर जोर देते हैं और वो भी आर्थिक समानता पर। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, इस पुस्तक में उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की है। इसी प्रकार से अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना और उन्हें विशेष आरक्षण या संरक्षण मिलना चाहिए, इस बात की उन्होंने पुष्टि की और संविधान में इसको लागू करने की कोशिश की और प्रयत्न किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अधिकार के अध्याय के अंदर आपने देखा होगा भाग 3 में अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है छुआछूत का निषेध कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान ने आकार ग्रहण किया है, और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को का इसका अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जाँच करता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो विचारक हैं, बड़े बड़े विचारक, रूसो, मार्क्स, गांधी, राजनेता नहीं बने, लेकिन इनके जो राजनीतिक विचार हैं वो आज तक जो है विभिन्न पीढ़ियों के राजनेताओं को प्रभावित करते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कैसे, कि जैसे
हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम सरकारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सरकारों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम राज्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम विभिन्न नीतियों का अध्ययन करते हैं। और जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के जो विभिन्न बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन हो गया। वैज्ञानिक विश्लेषण इसमें किया जाता है, इसमें कानूनों का अध्ययन होता है। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का जो एक विषय क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो, इसलिए इंटरनेट जन, अंग्रेजी में इसको नेटिजन कहते हैं, ये सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि हम अपना जो है प्राइवेसी इसमें तभी बनी रहेगी जब सरकार उसमें हस्तक्षेप कम से कम करेगी, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप अगर प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्या किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं, क्या चैट रूम में उत्पाद का जो विज्ञापन कर सकते हैं, क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी व्यक्ति के ईमेल में ताक-झांक कर सकती है, और कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामक। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ और इसलिए बेहद प्रासंगिक है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीति किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, इनका अर्थ, इनकी परिभाषा। इसके बाद हमने राजनीतिक सिद्धांतों का तत्व जो है उसका अध्ययन किया, और उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस भाग में इतना ही है। आप इसको वीडियो को दोबारा देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।